मुझे लगता है रेड कलर मुझ पर अच्छा लगता है। मुझे अब शूज स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे अभी टू डू लिस्ट भी बनानी है ऑफिस जाने से पहले। ओह आई एम नॉट क्रेजी। हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही, पर मैं क्रेजी नहीं हूँ। ये सेल्फ टॉक है। हर इंसान इस दुनिया में खुद से बातें करता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप से सही बातें करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। आज हम सेल्फ टॉक के बारे में सीखेंगे। सेल्फ टॉक ज़रूरी क्यों है और अपनी सेल्फ टॉक को कैसे इम्प्रूव करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात करें सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक मतलब वो इनर डायलॉग जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। एक वक्त में हमारे दिमाग में हज़ारों बातें चल रही होती हैं। ये मोस्टली हमारे खुद के, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में थॉट्स होती हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये इंटरनल कन्वर्सेशंस हमारे इमोशंस, बिहेवियर और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले हम सेल्फ टॉक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि हम बेटर तरीके से इसको समझ सकें। पहली, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहला, एनकरेजिंग। ये बातें हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को रीइंफोर्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस प्रेजेंटेशन पे बहुत मेहनत की है, मुझे पता है मैं अच्छा कर सकती हूँ। दूसरी, मोटिवेशनल सेल्फ टॉक। ये हमारी एक्शंस और परसिवरेंस को इंस्पायर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसे पूरा कर लूँगी। थर्ड, ऑप्टिमिस्टिक। जब हम ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं, तब हम पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिव आउटकम्स पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जॉब इंटरव्यू मुश्किल है, लेकिन ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। दूसरी तरह की सेल्फ टॉक है नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसे अवॉइड करना चाहिए। इसके भी अलग कैटेगरीज हैं। पहला, क्रिटिकल। ये हार्श जजमेंट्स और सेल्फ ब्लेम को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो स्पीच कम्प्लीटली मिसअप कर दी, सब लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। सेकेंड, पेसिमिस्टिक, यानी नेगेटिव आउटकम्स और डाउट्स पे फोकस करता है। मुझे कभी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन इतना टफ जो है। थर्ड, कैटेस्ट्रॉफिक। इसमें हम वर्स्ट के सीनेरियोज इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रमोशन नहीं मिली तो मैं करियर में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में फेल हो जाऊंगा। अब तीसरी कैटेगरी है न्यूट्रल सेल्फ टॉक। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक, ऑब्जर्वेशनल। ये ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होती है, बिना इमोशनल अटैचमेंट के। जैसे, मैंने मैथ टेस्ट में 5 क्वेश्चंस मिस कर दिए, कोई जजमेंट नहीं, बस एक फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। दूसरा, रिफ्लेक्टिव। ये थॉटफुल और एनालिटिकल होती है, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आए, शायद मुझे टीचर से क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए था। एक्सपीरियंस से लर्निंग पे फोकस करना। चलो, अब ये जानते हैं कि हम इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। सेल्फ टॉक हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, जबकि नेगेटिव सेल्फ टॉक मेंटल इश्यूज को बढ़ा देता है, लीडिंग टू नेगेटिव सेल्फ इमेज एंड लेस सेल्फ एस्टीम। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे मोटिवेट करती है और फोकस को बढ़ाकर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक सेल्फ डाउट और प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की आदत पड़ गई तो हमारे माइंडसेट पॉजिटिव रहता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे इम्प्रूव होते हैं। रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक इनसिक्योरिटी और डिफेंसिवनेस को प्रमोट करता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रेन हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बेटर फिजिकल हेल्थ से लिंक्ड है, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, लोअर स्ट्रेस लेवल्स। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक फिजिकल एलिमेंट्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे स्ट्रेस बढ़ जाता है और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। फायदे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के, और हम जाने अनजाने में सेल्फ टॉक करने ही वाले हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारी खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है वो सही हो और पॉजिटिव हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम अपनी सेल्फ टॉक को कैसे इम्प्रूव करें। अवेयरनेस। यहाँ अपने इनर डायलॉग पे ध्यान देना और नेगेटिव सॉल्व पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने थॉट्स पे एक्टिव चेक रखें और ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। और थॉट्स पॉजिटिव होंगी तो आप खुद से भी पॉजिटिव बातें करेंगे। प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस। एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपने बारे में सब अच्छा लिखें, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने गोल्स के बारे में। इन एफर्मेशंस को डेली अपनी सेल्फ टॉक में रिपीट करें ताकि पॉजिटिव थिंकिंग रीइंफोर्स हो। रीफ्रेम द सिचुएशन। जब हालात कंट्रोल के बाहर हो तो उन चैलेंजिंग सिचुएशंस पे अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें और फोकस करें कि आप क्या सीख सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। सेटबैक्स में सिल्वर लाइनिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ खोजने की कोशिश करें और सेल्फ टॉक भी उसी के अकॉर्डिंग फ्रेज करें, जिससे अगर मैं किसी काम में फेल हो जाती हूँ तो मैं खुद से ये नहीं कहूँगी अरे यार मैं कोई काम ठीक से नहीं करती। मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करूँगी और सेल्फ टॉक करूँगी कि आज मैं नहीं जीत पाई पर मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मैंने कुछ नया सीखा, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर परफॉर्म करूँगी। हमें बहुत विजिलेंट होना चाहिए कि हम खुद से क्या बात कर रहे हैं। सेल्फ कंपैशन। अपने आप से बात करते वक्त हमें कंपैशन रखना पड़ेगा। मुश्किल टाइम्स में अपने आप से नरमी से और अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश आना पड़ेगा। सेल्फ कॉप करते वक्त खुद के लिए हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म अवॉइड करें और माने कि सब लोग गलतियाँ करते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें ताकि प्रेजेंट में रहें और नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मेडिटेशन यूज़ करें ताकि एक काम और फोकस्ड माइंड कल्टिवेट हो। आप जब मेंटली काम और पीसफुल होते हैं तो आपकी सेल्फ टॉक भी वैसी ही होती है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आपका सोशल सर्कल आपके सेल्फ टॉक को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए सपोर्टिव फ्रेंड्स और अपलिफ्टिंग कंटेंट के साथ एंगेज हों। नेगेटिव एनवायरनमेंट्स जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को इन्फोर्स करता है उनसे दूर रहें। बी योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा आपके लिए बेस्ट सोचते हैं और बेस्ट करते हैं। अपने आप के साथ भी आप वैसी ही काइंडनेस, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश आएँ। अपनी सेल्फ टॉक में आप अपने आप को एनकरेज करें, अपने एफर्ट्स और अचीवमेंट को एक्नॉलेज करें, खुद के अचीवमेंट पे खुद को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करें, खुद को शाबाशी दें। इंटरोगेट योर इनर क्रिटिक। हम सबके अंदर एक क्रिटिक होता है जो हमेशा हमारी बुराइयां दिखाने की कोशिश करता है। उस क्रिटिक को और रिजम्पशन को चैलेंज करें। खुद से पूछें क्या इन नेगेटिव बिलीव्स का कोई एविडेंस है और क्या रैशनल और एग्जैगरेटेड नहीं है। आपकी सेल्फ टॉक चेंज हो जाएगी। स्ट्रेस चेक। अगर आप स्ट्रेस्ड और फिजिकली अनफिट हैं तो आपके थॉट्स ब्लर होंगे जो आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंगेज करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यानी एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और अच्छे से स्लीप से स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। लुक एट द रेनबो नॉट रेन्स। लाइफ में उतार चढ़ाव और अलग अलग एक्सपीरियंस तो होंगे ही। किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और रेगुलरली उन चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। लाफ। हंसो और मुस्कुराने की वजह ढूंढो, चाहे वो सिली क्यों ना हो। लाफ्टर ट्रूली इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एक फ़नी वीडियो देखो, एक गुफी जोक सुनो या बस स्माइल, फोर्स स्माइल कर लो। स्टडीज़ दिखाती हैं कि फेक स्माइल्स भी आपका मूड अच्छा कर सकती हैं और स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक माइंडसेट अडॉप्ट करना ईजी बना देता है। अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना टाइम और प्रैक्टिस लेता है, लेकिन आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफर्ट रियल वर्थ है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि आप खुद से क्या बात कर रहे हो। आपको ये सेल्फ टॉक पे मेरा वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करती हूँ, तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस, नमस्ते।